की बाइट तो ले ले भूखे, कुछ नहीं होता उसे जा रहा ना, उन्हें उसको ले लिया। ये चाचा पे घेरा है, चाचा ये अंदर घुस के साफ कर, ये तबरक लेके आए फ्रूट्स। थैंक यू। हेलो जी, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो यार तुम लोगों को मैं जुम्मा मुबारक कह दूँ। आज जुम्मा है, मुबारक दिन है, और वैसे भी रबी अव्वल का महीना चल रहा है। सुबह आज वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया और मूड सारा मेरा ख़राब हो गया। इतना घटिया स्क्वाड, मतलब कि वो पुराने ही न्यू किसी को चांस दे नहीं रहे। जो कुछ कर रहे हैं वही सारे टीम पर चढ़ के बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी। इस वजह से कल मोहम्मद हफीज़ ने रात को ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उसको भी पता था इतना घटिया स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो जितनी इनको मिल रही है सबको गालियाँ पड़ रही हैं, उसको भी उतनी पड़नी है, तो वो पहले बीच में से हो गया फ़र्क। अब बात आती है इनकी, ये जो बाकी बैठे हुए हैं ऊपर चढ़ के, ये परफॉर्म नहीं कर रहे। फ़ख्र ज़मान ठीक है, बीच में वो शदाब ठीक है, बीच में उन्होंने वही हसन अली को डाल लिया जो हर टूर्नामेंट में गंद कर रहा था, उसको टूर्नामेंट की बेस पे ही बाहर किया था। अब वो फैले हैं, जबकि आपके पास ऑप्शन जमान खान की इतनी अच्छी ऑप्शन थी। वो लड़का तो एंड है ना यार, उसको एम रिजर्व प्लेयर में बिठा दिया। ऊपर से तुम्हारा ये वही वो आगा साहब ठीक है, और सऊशकील, उसको एक मैच इन्होंने खिलाना नहीं पता, उसको आए भी बेचारे को रख लिया। उससे अच्छा कोई और बैट्समैन रख लेते यार, जिसका पता भी आता, अल्टरनेटिव तो होता ना। अब वो उन्होंने सारा सीन क्रिएट ऐसा किया कि बस अब जिधर भी देख रहे हैं FB पे या कहीं हेट इमोजीज ही आ रहे हैं और हेट रिएक्ट्स ही आ रहे हैं, और कुछ नहीं, कोई लव के रिएक्ट्स नहीं, सब नाखुश हैं इस स्क्वाड से। अब देखो बहरहाल आगे क्या होता है। शहीन और वो रऊफ अब अकेले तो कर नहीं सकते, बीच में हसन अली को डाल दिया। तो हसन अली खुद इतना तो है नहीं कैपेबल, उसने वो पिछले हफ्ते से हम देख रहे 3-4 वीडियोज़ डाली हुई कि एक्सरसाइज कर रहा है, ये कर रहा है। उसे पता नसीम आउट हो गया तो किसी ने किसी तरह मुझे डाल ही लेंगे, तो एट द एंड वही हुआ, दोस्ती यारी कामयाब हो गई। अब बाबर की अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन बाबर के पीछे इसलिए सारे पढ़ते हैं कि वो दोस्ती यारी देखता है। फ़ख्र को उसने नहीं निकलवाया, कहता फ़ख्र खेलेगा। मोहम्मद नवाज़ जिसको हर जगह वो हो रहा होता है, कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, अभी भी इसने गंदा ही किया परफॉर्म, उसको फिर रख लिया। शदाब जिसको कह रहे थे वाइस कैप्टनसी से भी हटाना है, बाहर करने का भी सोच रहे थे, उसको फिर वाइस कैप्टन बना दिया ठीक है। और ये आपका हसन अली, ये बाबर आजम का फ्रेंड है बहुत अच्छा, वो फिर वापस आ गया। मतलब क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है यहाँ पर, तो अब कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल धक्के भी चल रही है, टीम चलने दो, बाकी वर्ल्ड कप आने तो देखते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको जुम्मे के बाद। जैसे कि जुम्मा पढ़ के आ गए हैं तो अभी घर को जा रहे हैं, लेकिन जो मेरा दोस्त है सरोज, उससे मैं कुछ डिस्टेंस पे चल रहा हूँ क्योंकि उसको भी आई इन्फेक्शन हो गया है। ये देखें ये, लेकिन ये अपने गया था जॉब पे, इन्होंने इसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा छुट्टी करो तुम्हें और ना हो जाए, तो इसलिए अभी शुक्र है मुझे ज़्यादा नहीं हुआ, बस वो जस्ट मतलब असराज होते हैं ना, अच्छा शुरू हो गए। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये तो चलो कल हो गया था, इसने कल दोपहर को बता दिया। कल रात को मेरा दोस्त फैजी बहुत अच्छा दोस्त है, हम रात को जिम गए हैं, उसके बाद हम आए हैं, उसके बाद वो वही कह रहा कि उसको हो गया इन्फेक्शन, उसको हो गया। अभी वो मस्जिद मिला इतनी बढ़िया नेक लगा के बैठा हुआ, उसको भी हो गया। फैजी को तुमने देखा? हाँ मैंने देखा है, वो ब्लैक नेक लगा के, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हुई हैं इसकी। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वो फैला हुआ है इस टाइम, और बहुत ज़्यादा ही अपना सब जितना ख्याल कर सकते हैं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। और हमारे एरिया में काफ़ी, मैं दोस्तों को देख रहा हूँ सबको ही हो गया तकरीबन। मेरा तुम्हें रह गया बस, मुझे लग रहा है अगली बार तुम्हारी है, फिर तुम लाल आँखों के साथ व्लॉग बनाओगे, लाल आँखों के साथ ऐसे। मुझे कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, होएगा होना हो तो। भी यही बात की थी कि मुझे कुछ भी नहीं होता, यकीन माने उसने कल यही बात की, उसने मुझे बोला, उसने कहा भाई मुझे कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसको भी मैं समझाता रहा, इसको कोई। मैं जरा खाना खा गया, ये मूसा आ गया बाइक निकाल के, पागल हो गया। ये सोया हुआ था, वो देख सामने देख, तो सोया हुआ था। बहुत ज़्यादा पानी हुआ है यार, जद्दोजहद कर रहे हैं किसी तरह, ये अंदर घुसे हुए हैं। ये चाचा पे घुस रहा है, चाचा ये अंदर घुस के साफ करो। बहरहाल परेशान होने की मुझे वही था कि ये देखिए पानी सिर्फ यहाँ खड़ा है रास्ते में थोड़ा थोड़ा, बाकी वो कब्रें सारी सूखी हैं माशाल्लाह। मैं यही चीज़ में था कि आज भी कब्रें गिरना गई हो, बारिश बहुत तेज़ हुई है लेकिन सिर्फ आधा घंटा हुई है। तो ये देखिए ना, नरम तुम्हें मैं कह रहा हूँ कुछ खाने को मिल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ मैं जरा घर से मोबाइल पकड़ लूँ। अब मैं घर आ गई अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? और सुबहान, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे हो यार? ये उस दिन हमें चाट में मिला था, पिछले फ्राइडे चाट खा रहा था, उसके साथ ही ये वो बर्फ वाला गोला खा रहा था। बर्फ वाला गोला खा रहा था, इसका गला खराब हो गया होगा इस टाइम, इसलिए चुप करके बैठा हुआ है। तुम्हारा कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरा हाथ मेरे साथ हाथ मिला लिया ना, अब तुम्हें भी हो जाए। ये जो इस टाइम वायरस बना हुआ, जो हाथ मिलाएगा उससे हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग कब्रिस्तान से हुए, हम घर जा रहे हैं। तो हाँ ना, यहीं खड़े हैं, उसको उतारने आए हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो ठीक है, फिर बारिश होने वाली, घर घर को जाओ। अल्लाह के बंदे, कौन दोबारा होने वाली? देखनी ना, काला बादल आए हुए हैं। चलो बाय। ये देखिए, ये हमारे साथ साथ ही आ गया। क्या करने आया तू? आगे देखा कर, तेज कर ले बाइक। आंटी के बच्चों में लगा, आंटी गाली करनी होगी। मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, ये पता नहीं। जल्दी कर, यहाँ पे क्या करने आए यार? आए नादिश की तरफ, आज मौसम अच्छा था। वो कहता है समोसे खाने जब जाते हो मुझे नहीं बताते। नादिश है घारी है। ओह माय गॉड, कॉफी पी जा रही है, चाय पीते। हमने कहा आज मौसम अच्छा है तो नादिश की तरफ जाके फिर समोसे खा लेते हैं। बंद करना। तुम ही कहते थे यार हर हफ्ते के, भैया आज मेरे पास समोसे खाने चलते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया है। अच्छा, मैं कोई बात नहीं, हम भूखे हम खा लेंगे। हाँ। तो बात है, तुम्हें वो शर्म नहीं आएगी? चाय चाय बचा के रखा, नादी से समोसे खिलाने ना, तो चाय में सोच रहा हूँ वहीं पे ले जाते, वहीं पे ले जाते। चाय मग की जरूरत नहीं है, फुल गर्म है, फुल गर्म, मग की जरूरत नहीं है। क्या है, कैसी है? मजेदार। कैसी है? गर्म है। चल यार नादिश, ये रख के आ और रख। मेरा इरादा कोई नहीं था यार, मूसा है इस वजह से मैं खिला रहा हूँ। हाँ क्या बात है, देखा क्या बात, मेरी अहमियत चेक करो। सब मेरे से कितना प्यार करते हैं। बस भी आ जाओ। अपने किसी और को, दोस्त को भी फ़ोन किया हुआ है ताकि वो भी आ जाए, उसके पिछले जितने भी हो गए एक ही बार सारे बदले पूरे हो जाए। ये तबरक लेके आए, थैंक यू। तुम दिन ब दिन इतने अच्छे क्यों होते जा रहे हो? ये जो पुरानी है तब की पड़ी थी, मस्ती का रहे हैं। ठीक था अभी शॉपर में पड़े हुए थे ना। सही है पागल, सूंधी सूंधी खुशबू है। शॉपर में थे ना उसमें। चलो 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 चलो, जिम जा रहे हैं सुबह से। ये गाइस हम असलम नहीं बल्ले पे पहुंच चुके हैं। ये इसकी वीडियो भाई यूं ही होता है, यूं ही सब चलता है। तुम अंधे हो गए, तुम जाओ, तुम्हें समोसा मिलना है ना नादी। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, बारिश शुरू हो गई है। नादिश नहीं खा सकता ना, उसने खाना खाया। नादिश नहीं खा सकता ना, उसने खाना खाया। कोई हाँ इससे का खा लूँगा। तो तुम दो ही मंगवा लो। नहीं यार, तुम एक तेरा भी अच्छा नहीं लगता। तीन 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 मंगवाओ। चलो ये देखें, ये नादिश ने अपनी फर्ज अंजाम दे दिया। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। वो मेरा बहुत सारे मेरी तो बस हो गई, तुम्हारी? मेरी भी बस हो गई। देखो कैसे खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। अभी देखिए दो समोसे की और दिहाड़ी लग गई। अबे आखिरी बाइट तो ले ले, भूखे कुछ नहीं होता। नहीं खाया जा रहा ना, उन्हें उसको ले लिया। ये पुराने जमाने की मई देखें कितनी भूखी है। अभी इसने मेरा भी ले लेना, ये वाला मुझे पता है। बस बस, बाकी तुम खा लो। आखिरकार वक्त आ गया और नादिश ने पैसे कटा दिए। बोतल भी मंगवाए से, बोतल मंगवा लेंगे। ये अनफ से बहुत डर रहा है, पता नहीं क्यों, कि वो मुझे पकड़ लेगा। वो पकड़ लेगा, हंस भी रहा कैसे, नहीं कुछ कहता है यार। नस क्या हो गया? नस नहीं क्या? ये देखें गाइस, मैंने भी समोसा खा लिया, मैंने इसका भी समोसा खा लिया, लेकिन ये बंदा अभी तक लगा हुआ है। हाँ यार, शुक्रिया कर दो यार, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यार। हाँ तो सही है, चल अब घर जाओ। चल ठीक है, जा बस कैमरा बंद करो, स्टार्ट कर यार बाइक। चल बहुत खुशी आपसे मिल गई, मज़ा आया। परसों आ रहे हो मैच पे कि नहीं? ओके यार ब्रदर, ओके चलो यार चलें। तुम क्यों हंस रहे हो? हैं कितनी आवाज़ निकालता है, इसके मोरों में मसला है। जब भी उतरता है इसकी ये आवाज़ निकलती है, आपको परेशान ना होएगा इससे। अच्छा, इसकी नेचुरल आवाज़ है। अच्छा ठीक है ब्रो, ओके भैया तुम दूर ही रहो, गजब बेइज्जती है। चलो सही है, जा अंदर चले जा ना मामा, तू तो जा। अच्छा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को पहले घर तक भेजे फिर उसके बाद अपने घर में। ओके आज का लोग यहाँ पे एंड करते हैं, तो आप लोग भी अपना अपना ख्याल रखें सारे, और ये आई इन्फेक्शन से बचें, जैसे कि हमारे काफ़ी दोस्तों को भी हो गया और काफ़ी बुरी डिजीज़ है, क्योंकि इससे जब भी आपकी आंखों में होता है रेशा निकल रहा होता है, आंखों से रेशा निकल रहा होता है, आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं और दर्द बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी एक दोस्त आ रहा था जिसका मैंने अपने दोस्त फैज़ी को बताया, तो कह रहा सजदे में भी गए तो इतनी ज़्यादा जलन हो रही है, सर फट रहा था। तो ये डिज़ीज़ काफ़ी वो उस तरह की है कि आंखें चुभने लग जाती हैं अंदर से, तो और फिर आप खुद ही वो आप इतना इरीटेट करती है कि आप अपनी आंखों में उंगलियां मारते हो, जो कि और ज़्यादा ख़तरनाक है। टिशू पेपर यूज़ कर लें या कुछ, और पानी ना डालें उसमें। मिलते हैं आपको इसी के साथ अगले व्लॉग में, तो सब्सक्राइब वगैरह मस्त करना, सब्सक्राइब बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग के, हम देख रहे हैं। मूसा व्लॉगर को ज्वाइन नहीं किया वो जाके मूसा व्लॉगर गैंग को ज्वाइन करें, और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाएं। सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि उसामा भी बता रहा है कि हमारे सब्सक्राइबर अच्छे आ रहे हैं, तो हमें मज़ीद रिटेन करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में।